बातों की पुनरावृत्ति मैं नहीं करूंगा। अभी मैडम वीना गोपाल जी ने कुछ कारक बताए, ईर्ष्या, लोभ, मोह, क्रोध, और उससे कैसे पार पाते हुए हम गांधी को समझ सकते हैं। तो मैं जरा राष्ट्रीय सेवा योजना की कल्चर का व्यक्ति हूं, मैं सिर्फ आप सबसे एक मिनट का समय लूंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि जो काम हम इस एक मिनट में करने जा रहे हैं, यह संदेश किसी न किसी तरह से हमारे उन मित्रों तक भी पहुंचे जो होते तो हैं लेकिन यहां नहीं होते, कैंपस में होते हैं। हम सभी थोड़ा सा अपने को ध्यानस्थ करेंगे, गांधी को और शास्त्री जी को जो भी बातें बताई गई या जो हम जानते हैं, जिस प्रकार की ईमानदारी उन्होंने अपने जीवन में रखी है, जो आज उनके व्यापक व्यक्तित्व का कारण है, इसको समझते हुए और अपने को भी ध्यान में लेंगे और इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य यही है कि हम अपना परिमार्जन कर सके, क्योंकि हम जो बोलते हैं उसका असर तभी ज्यादा पड़ता है जब वो हमारे व्यवहार में भी होता है। इसलिए आवश्यक है कि हमारे विद्यार्थी ऐसे अवसरों का लाभ उठाएं और उस पर अपने चिंतन मनन को आगे बढ़ाएं। तो जो कुछ वक्ताओं ने कहा है गांधी जी को लेकर के, शास्त्री जी को लेकर के, क्योंकि ये हम आप अपना व्यक्ति भी ये समझता है कि आखिर कोई कारण तो है कि आज 21वीं सदी में भी महात्मा गांधी पूरे विश्व में पूजे जा रहे हैं। शास्त्री जी रोल मॉडल है हम लोगों के। जब हम किसी